छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने रायपुर सेंट्रल जेल से प्रदेश की पहली राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का शुभारंभ किया। प्रदेश में पहली बार आयोजित इस लोक अदालत में जेल में निरुद्ध बंदियों की रिहाई के संबंध में सुनवाई की जाएगी। जेल लोक अदालत का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी जेलों की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ को सुप्रीम कोर्ट में सजेशन दिए थे कि ऐसे कैदी जो 65 साल से ज्यादा के हैं और जमानत मिलने के बाद भी कई कैदी जेल में हैं, जिन्हें जमानत प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण वो छूट नहीं पाए। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने कहा कि इस प्रयास से ओवर काउंटिंग को कम करने में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां इस तरह का प्रयास किया जा रहा है और हर दूसरे शनिवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बताने में अत्यंत खुशी है, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां पे इस तरह की ये जो हमने स्टेप लिया, ये कैदियों को उनके जो मानव अधिकार है उनको उनकी रक्षा करने के लिए पहला राज्य है सालसा की तरफ से। और इसमें सभी स्टेक होल्डर के इम्पोर्टेंस रहती है, जैसे जेल है, डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके सहयोग से। और ये जो निरंतर हम ये प्रयास करते रहेंगे, हर शनिवार को ये रखा गया कि हर गैप में एक शनिवार को जेल में ऐसी लोक अदालत रखी जाएगी ताकि उन कैदियों को फायदा मिल सके, क्योंकि ओवर क्राउडिंग से रिजल्ट ये आता है कि उनके मानव अधिकार का कहीं ना कहीं हनन हो जाता है। वो आदमी का, आम आदमी का जो राइट है वो प्रोटेक्ट रहे, संविधान की जो मंशा है उसको अपहोल्ड करे, उसी के लिए ये ज्वाइंट प्रयास है।